Hello viewers, welcome you all to the YouTube channel Life is Awesome Civil. So this house been designed by engineer Vishati, and all the name credit goes to the workers also and the engineer as well as the kitchen. Jaisa modular kitchen aap keh sakte hain. Modular kitchen banane mein kitna kharcha aa sakta hai, kuch lump sum details aapko batana chahta hu is video mein. Aur aakhir tak bane rahiye is video mein pura ant tak. और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया गया है इंजीनियर द्वारा. तो इसे बनाने में कितना खर्चा आ सकता है फर्स्ट आपको बता दूंगा. तो उससे पहले डिज़ाइन देखते हैं. ये एक है किचन के लिए और उसके बाद नेक्स्ट जैसा डाइनिंग एरिया में इसके लिए इसके ऊपर ग्रेनाइट रखा गया एकदम. इसका टोटली सपोर्टेड जो है ग्रेनाइट का सपोर्ट प्लाईवुड पे है टोटली. तो वो कुछ देखिए, फर्स्ट इसका साइज़ बता दूंगा. इसका साइज़ है अराउंड 7x8 feet. 7x8 feet में बनाया हुआ है डिज़ाइन. और फर्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे सिंक के द्वारा. सिंक नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है सिंक पोजीशन. और वहाँ पे जैगुआर कंपनी का काफ़ी पॉपुलर है बहुत सारे लोगों में, या फिर बहुत सारे लोग यही ब्रांड लेते हैं ज़्यादातर. मे बी इसका मार्केटिंग ज़्यादा है या फिर क्वालिटी भी अच्छा होगा. और इसका टाइल्स डिज़ाइन इस तरह से, ये सिंक 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ में 1.5 फीट 45 अराउंड. और यहाँ पे सिंक और एक इसे भी कर सकते हैं आप. अगर आप जब भी कपड़ा वॉश करते हैं ना ग्रेनाइट, इसको कपड़ा वॉश करते हो तो इसको क्या लगने के चांसेस रहते हैं. तो तब क्या करना, काम करने से पहले आप लोग ईंट जो रहते हैं ना, एक एक ईंट रखना. उसके बाद पूरा मिट्टी जो भी रफ बिल्डिंग मटेरियल रीयूज भर्ती करके लेवल करना. मतलब 3 इंच हाइट भी ले सकते हैं आप, तो उससे अवॉइड कर सकते हैं. पानी इसको लगने का चांसेस कम हो जाएगा. और आजकल क्या करें, ये एडजस्ट कॉर्नर एडज रहता है ना, उसको स्मूथ बनाने के लिए ऐसे पट्टे मिलते हैं रेडीमेड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड ये एक कटलरी इस तरह का, इसके अंदर कप्स चम्मच रख सकते हैं आप. एंड ये वाला ब्रांड गोदरेज ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो भी ब्रांड गोदरेज का. ये आपको लीटर हिसाब मिलेगा. इसका कॉस्ट अराउंड 3000 to 500. एंड इसका ब्रांड मैं बता दूँगा, जिंदाल स्टील्स का है. अच्छा है ये भी, मस्त जिंदाल स्टील. मेन प्रॉब्लम है नॉन करोड़ नहीं होना चाहिए, वही है इसमें प्रॉब्लम होने वाला चांसेस. और ये वाला इसके अंदर चम्मच रखने के लिए, काफ़ी स्मूथ है. ये प्लेट्स रखने के लिए, छोटे छोटे प्लेट्स उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. और देखिए ये बॉल्स यानी कि प्लेट रखने के लिए, थाली बोलते हैं हम इसे, थाली यानी कि प्लेट्स रखने के लिए. यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट ओपनिंग. सिलेंडर के लिए जगह चाहिए ना वहाँ पे. यह ऐसा पूरा कंप्लीट ओपन हो जाएगा. एंड अंदर ये इस तरह के पूरा कंप्लीट,
कार्बन पे ऐसे ओपन हो जाएगा और गैस सिलेंडर उसका पाइप एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप लगा भी दिए समझो तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, पाइप कैसा लेना। सो पाइप के लिए क्या है, कंपलसरी आपको होल बनाना ही पड़ता, होल बना के थोड़ा बड़ा होल बनाना चाहिए, यहाँ बीच में सिलेंडर रखने के लिए जगह मिल जाएगा, इसके अंदर सिलेंडर एंड इसका सपोर्टिंग स्लैब इस किस पे सपोर्टेड है, टोटली टाइल्स पे। ये वाला भी अच्छा है पैटर्न। ये थाली के लिए, तो इसे बनाने के लिए आपको 1 लाख तक करीब करीब 60,000 से 1 लाख खर्चा आ जाएगा। एंड ABC माइक का नाम से है और ऊपर इस तरह का यहाँ पे ग्लास आ जाएगा, एसिड वर्क ग्लास। इधर हाइड्रोलिक पंप्स लगते हैं, पंप्स मतलब अभी फिलहाल तो ये है, वही भी लगा सकते, वो एक ऑप्शन आ जाता है। ऊपर स्टोरेज के लिए पूरा कंप्लीट, और अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये वाला पोर्शन। ये डाइनिंग एरिया में अंदर प्लेट्स कप्स रखने के लिए जगह, ये वाला कलर भी अच्छा है, ब्राउन लाइट ब्राउन काफ़ी खूबसूरत है। मेन प्रॉब्लम क्वेश्चंस या फिर कंफ्यूजन इसी में रहता है किस तरह का हैंडल्स लेना चाहिए। अच्छा है ये भी, स्टैंडर्ड एकदम स्टैंडर्ड और डिसेंट लुक है ऐसा। ये हैंडल्स आपको 100 रुपये से लेके 150-200 तक मिल जाते हैं। फिनिशिंग के बाद और खूबसूरत दिखेगा। और ये जो टॉयलेट रूम है ना, टॉयलेट रूम के ऊपर स्टोरेज। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।